हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटोगेन इंडिया। मेरा नाम है सचिन और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड 1815 एचई के बारे में। ये जो व्हीकल है उसको आपने रोड पे बहुत ज़्यादा देखा होगा क्योंकि जो इसकी डिमांड है ना मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा है, और ये इतने सारे ऑप्शंस के साथ आता है कि जो कस्टमर की जो नीड्स है ना उनको बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहा है। या आपको स्लीपर कैबिन, डे कैबिन दोनों ही कैबिन्स के अंदर मिलेगा, प्लस ये आपको 17 फिट, 20 फिट, 22 फिट, 24 फिट के लोडिंग स्पेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप स्लीपर कैबिन लेते हैं तो वो सिर्फ आपको 17 फिट, 20 फिट और 22 फिट में ही मिलेगा। वहीं पे पेलोड की बात करें तो अगर 17 फिट में आप HSD वाला मॉडल लेते हैं तो आपको 11.89 टन का इसके अंदर आपको पेलोड मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको हमारी तरह ट्रक पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको किसी और ट्रक की वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर आपको HSD और CBC दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी होती है। जो एग्जैक्ट प्राइस है वो एक बार आप नियर बाय डीलर से कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके केबिन में चलते हैं और केबिन में देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलते हैं और जो कंपनी ने इसका स्लीपर केबिन प्रोवाइड किया है वो कैसा है, आइए पहले उसको देखते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं एक सबसे अच्छी चीज़ बता देता हूँ उस व्हीकल की, जो इसकी बॉडी है ना वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे ही पार्ट्स मेटल के यूज़ हुए हैं, कहीं पे भी आपको फाइबर या प्लास्टिक नहीं दिखेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे बात करें तो आगे भी अशोक लीलैंड ने ये यूज़ किया है। और यहाँ से इसका डोर ओपन होता है, डोर भाई काफ़ी वाइड ओपन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, आपको ये ग्लास एरिया देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इस साइड तो ग्लास एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है इसके अंदर। तो जो केबिन के अंदर है ना वो ड्राइवर को ऐसा फील नहीं होता, एकदम घुटन सी फील नहीं होती, प्लस जो वेंटिलेशन है ना वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चढ़ने के लिए भी है ना भाई बहुत शानदार मिलता है, यहाँ पे ये मेटल का मिलता है और ये ऊपर भी मेटल का मिलता है। और यहाँ पे है ना कुछ ऐसा, यहाँ पे देख सकते हैं रबर का कुछ यहाँ पे अशोक लीलैंड ने लगाया हुआ है ताकि पैर वगैरह है ना वो स्लिप ना हो। और यहाँ पे जो व्हील आर्चेस मिलते हैं ना वो मेटल के मिलते हैं, और भाई इनके ऊपर ईजिली ड्राइवर आप पैर रख के यहाँ पे उतर सकता है या फिर यहाँ पे पैर रख सकता है। कैबिन के अंदर चलता है, देखते हैं कैबिन के अंदर चलना कितना ईजी है। यहाँ से और यहाँ से आप ग्रैब करके कैबिन के अंदर ईजिली बैठ सकते हैं, ये देखिए भाई बहुत आसानी से इसके कैबिन के अंदर बैठ सकते हैं। और जो कैबिन है ना इसका वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो सीट्स की क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे सीट्स को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील आपको ऐसे ही मिलेगा। इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, यहाँ पे इसके अंदर आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लो हाई ही इस यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। प्लस इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना भाई वो काफ़ी शानदार मिलता है इसके अंदर आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप RPM मीटर मिलता है और यहाँ पे टेम्परेचर मीटर मिलता है, इस साइड आपको स्पीडोमीटर मिलता है और फ्यूल गॉज मिलता है, यहाँ पे बीच में MID मिलता है। MID भी भाई बहुत शानदार मिलता है इसके अंदर, आपको कितना किलोमीटर चलाया वो दिखाता है व्हीकल, प्लस कितना जो इसका एयर प्रेशर है वो दिखाता है, पार्किंग ब्रेक एंगेज है यानी वो दिखाता है, कितना AdBlue है, कितना फ्यूल है, क्या टाइम है, डेट वगैरह सारी ही चीज़ दिखाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसके इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लोअर वाला वेरियंट है, इसके अंदर आपको AC वाला वेरिएंट नहीं मिलता है, एज अ ऑप्शनल भी नहीं ले सकते आप AC वाला वेरिएंट इसके अंदर आपको। यहाँ पे ये ब्लोअर के कंट्रोल मिलता है, 3 मोड्स वाला है इसके अंदर, 1, 2, 3, थर्ड हाई वाला मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके अंदर आपको USB वाला चार्जिंग सॉकेट मिलता है इसके अंदर आपको। जो ब्लोअर्स के वेंट है ना वो ठीक ठाक मिलता है इसके अंदर आपको, इनकी क्वालिटी है ना वो ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पे हेजार लाइट्स वगैरह बाकी के कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एरिया मिलता है, यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया मिलता है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, आई डोंट नो अभी ये ओपन नहीं हो रहा है बट। और यहाँ पे आप अपना म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे आपको हैंडब्रेक लीवर मिलता है, हैंडब्रेक लीवर का प्लेसमेंट ठीक है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। ओवरऑल जो अशोक लीलैंड ने यूज़ किया है वो पूरा ही यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, ये गेयर नॉब लीवर देख सकते हैं आप, इसका 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है इसके अंदर आपको। और प्लस अब इसके स्लीपिंग एरिया में आते हैं कि स्लीपिंग एरिया में देखते हैं आपको कैसा स्पेस मिलता है। तो स्लीपिंग एरिया भाई काफ़ी शानदार मिलता है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे ग्लासेस मिलते हैं, इधर भी मिलता है एक और एक उस साइड भी मिलता है, तो ग्लास एरिया भी काफ़ी शानदार मिलता है इसका। इसको आप अगर उठाते हैं तो अभी तो आई डोंट थिंक सो ये उठता है, बट हाँ ये उठ सकता है। तो अगर इसको उठाना भाई बहुत भारी है, अगर आप इसको उठाते हैं तो मे बी इसके नीचे स्टोरेज एरिया वगैरह हो सकता है, बट अभी ये उठ नहीं रहा है।
और यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो ऊपर भी मटेरियल काफ़ी अच्छा मिलता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मटेरियल, बस यहाँ पे कर्टेन वगैरह लगा सकता है ड्राइवर, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे अशोक लेलैंड ने प्रोवाइड किया। लाइट वगैरह यहाँ पे मिलती है। सो ओवरऑल अगर कैबिन की बात करें ना, तो भाई कैबिन काफ़ी अच्छा है, स्लीपर कैबिन है, ड्राइवर इजिली यहाँ पे सो सकता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस कैबिन है। विजिबिलिटी वाइज भी देखें तो विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, कहीं पे भी उसका जो व्यू है ना वो ब्लॉक नहीं होता है, कहीं पे भी देख सकते हैं व्यू वगैरह ब्लॉक नहीं होता है। प्लस है ना वेंटिलेटेड कैबिन है पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर इसको ओपन कर सकता है, हाँ तो भाई पूरी हवा अंदर की साइड आती है। और ग्लास एरिया इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा मिलता है ना कि भाई नो डाउट, बिल्कुल मतलब ऐसे फील नहीं होगा ड्राइवर को भाई कितनी लंबी जर्नी कर रहा है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसके बाहर चलते हैं और बाहर देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले भाई अब इसके फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि फ्रंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। फ्रंट में यहाँ पे आपको यहाँ पे अशोक लीलैंड की बैजिंग मिलेगी 3D के अंदर, यहाँ पे अशोक लीलैंड का लोगो मिलेगा और ये काफ़ी शानदार है। कमर्शियल व्हीकल में जो सबसे बेस्ट मेरे को बैजिंग लगती है ना, वो अशोक लीलैंड की लगती है भाई, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया गया है अशोक लीलैंड को। और यहाँ पे जो आपको फ्रंट में पूरा ही फेशिया मिलेगा ना, पूरा ही मेटल का मिलेगा कंप्लीट यहाँ पे आपको। और ये देख सकते हैं ये बम्पर है ना भाई, ये मेटल का है। और नीचे एक और बम्पर मिलता है, वो भी आपको मेटल का मिलता है, यहाँ पे टोइंग हुक मिलता है। उसके बाद ये लाइट्स की बात कर ले तो ये राउंड में आपको लाइट्स मिलती है, और जो इनका थ्रो है ना नाइट में भाई, वो काफ़ी शानदार है, बहुत शानदार थ्रो है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको और यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। जो विंडशील्ड है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, और विंडशील्ड है ना काफ़ी बड़ी मिलती है आपको। जो वाइपर्स है ना उनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, तो पूरी विंडशील्ड को इजीली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, प्लस जो साइड व्यू मिरर है ना, उनका साइज़ है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ड्राइवर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती गाड़ी को घुमाने वगैरह में, या फिर आगे अगर उसका कोई व्यू है वो ब्लॉक नहीं होता है, उसको कम्प्लीटली है ना सब कुछ यहाँ पे नज़र आता है। अब साइड में आ जाता है कि साइड में देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके अंदर आपको जो टायर मिलते हैं ना, वो 295/90 R20 के टायर मिलते हैं। टायर का साइज़ काफ़ी अच्छा है और टायर की जो ग्रिप वगैरह ना वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ब्रांड C8 के टायर प्रोवाइड कर रही है, और जो व्हील आर्चेस है ना उनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे व्हील आर्चेस भी आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिलता है। अब इसकी सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको जो फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है ना, वो सेमी इलेप्टिकल मल्टी लीफ शेकल टाइप सस्पेंशन मिलता है, और जो आपको फ्रंट में एक्सल मिलता है ना, वो 4 साइज सेक्शन रिवर्स इलो टाइप मिलता है। तो भाई जो सस्पेंशन और एक्सल है ना, उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, और केबिन के अंदर आपको झटके वगैरह फील नहीं होते। प्लस जो व्हीकल है ना, उसकी स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। इसके अंदर आपको जो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है, यहाँ पे एक सिंगल बैटरी मिलती है इसके अंदर आपको। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं गार्ड्स मिलते हैं, यहाँ पे पूरे ही गार्ड्स मिलते हैं, तो आपको ये बैटरी को, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीछे स्पेयर व्हील है उनको सेव करके रखते हैं। और जो स्पेयर व्हील है ना, उसकी जगह भी, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी जगह से की गई है यहाँ पे अशोक लीलैंड के द्वारा, तो ये इजीली यहाँ से निकल जाता है और वापस यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इस साइड आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी व्हील आर्चेस मिलते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। प्लस जो मड फ्लैप्स हैं ना, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पीछे भी सेम आपको टायर सेक्शन मिलेगा, 295/90 R20 के यहाँ पे टायर सेक्शन मिलता है। पीछे सस्पेंशन और एक्सल की बात कर लेते हैं अब, तो रियर में आपको जो एक्सल मिलता है ना, वो फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल मिलेगा, और जो सस्पेंशन मिलेगा ना, वो सेमी इलेप्टिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। अब भाई अशोक लीलैंड ने जो पीछे सस्पेंशन लगाया ना, उन्होंने बोला है कि हैवी ड्यूटी लगाया, तो भाई बहुत ईजिली अच्छा खासा वेट ले जा सकता है। अब पीछे आते हैं, पीछे देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो भाई पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे आपको अशोक लीलैंड की यहाँ पे बैजिंग मिलती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह मिलते हैं, और ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का आता है यहाँ पे निकल के। यहाँ पे जो लाइट देख सकते हैं आप, उनकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी है, और जो लाइट्स है ना वो अशोक लीलैंड ने बहुत ही अच्छी दी है। विजिबिलिटी दूर से बहुत अच्छी आ जाती है। LED लाइट्स मिलती है यहाँ पे आपको, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है पीछे, और यहाँ पे जो चेचिस मिलता है वो 7mm थिकनेस है चेचिस के फ्रेम की, और जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे मटेरियल से बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे रिवर्स में देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आपको बम्पर मिलता है। अब साइड में आते हैं और देखते हैं साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। भाई इसके अंदर आपको ना 10 बोल्ट सिस्टम मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 बोल्ट सिस्टम इसके अंदर आपको मिलता है। अब इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको है ना प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं गार्ड मिलता है, मेटल का टैंक मिलता है 185 लीटर का, और 24 लीटर का यहाँ पे एड ब्लू टैंक मिलता है आपको। भाई जो इसके एवरेज वगैरह ना वो काफ़ी अच्छी है, प्लस जो इसका ईट सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो उसका जो मेंटेनेंस वगैरह ना वो काफ़ी कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एयर टैंक लगाया हुआ है। अब भाई इसके इंजन की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको S सीरीज का 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि iGen 6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये 150 हॉर्स पावर और 450 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। प्लस इसके अंदर आपको जो क्लच मिलती है ना, वो 330mm डाई की क्लच मिलती है, तो क्लच वगैरह सबकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके अंदर आपको पावर है ना वो भी काफ़ी शानदार मिलती है। और भाई इसके अंदर आपको 4 साल या फिर 4,00,000 किलोमीटर की ऑन ड्राइव लाइन वारंटी मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और ट्रक की वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।